देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने रविवार को विकास भवन परिसर में झंडारोहण किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने विकास भवन के कर्मचारियों उपस्थित लोगों को देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाने के साथ लोगों को नशा मुक्ति अभियान की भी शपथ दिलाया। तत्पश्चात विकास भवन के सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विकास भवन के कर्मचारियों ने देश की आजादी पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम विकास से काफी दूर हैं। जरूरत है कि ईमानदारी के साथ शासन की योजनाओं को प्रसारित करते हुए प्रदेश को विकास के शिखर पर पहुंचाया जाए और शासन की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, जिससे जिले का समुचित विकास हो सके। CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए सभी लोग अपने साथ अपने परिवार वालों का भी कोविड वैक्सीनेशन करवाएं और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि ना केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने गोरखपुर जिले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी क्षमता से हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। संकल्प लेता हूं कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा सैद्धांतिक तरीके से करूंगा। जय हिंद। सारे देश प्रदेश सब लोग एक हो जाते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश से भेजा गया है वो 9 माह में निर्मित होती है। तो आपने पैसे का, अपने परिवार का, इसको ही सिर्फ वनस्पतियों का, पशुओं का, पक्षियों का, इन सब का संरक्षण करें, यही मानवता का सबसे मानवता मानव से हमें मौका मिलता है कि हम विकास जैसे विभाग में है, NGO है, जो है, जो कि अवैतनिक करते हैं, हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस पे योगदान होगा है। हम लोग विकास भवन में आते थे, जो मौके थे उन्होंने जो है यहाँ पे स्वांग घुमा करते थे। सारे पदाधिकारी अधिकारियों ने हमने आपको बताया कि विकास की संभावनाएं नहीं खत्म होती हैं, तो वो बचती जाएंगी, लेकिन जो है आप उसको देख सकते हैं अपनी नजर से कि विकास क्या हो रहा है। ये तो हमारे देश के, हमारे जिला जनपद की है। गांव में हम देखते थे कि कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं लाइट नहीं था, आज सारी जगह वो चीजें का हो रहा है। सारी जगह जो है पक्की सड़कें बन रही है, उनसे जुटे हुए लोग जो है लाइट का प्रबंध है, किराना है। हमें सारे धर्मों का सम्मान करना है, हम अपने धर्मों पे जुड़े रहते हुए भी सभी धर्मों का सम्मान करें। इन्हीं सब चीजों के साथ हम आप सादर आपको बधाई देते हैं, सादर ये आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने इतना समय देके यहाँ पे हम इनसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ। और हमारे ऋषि पांडे जी तेजस को ये हमारी तरफ से हमें भी मदद आप आ रहे हैं, मेरे पास अगर कुछ था नहीं जिम्मेवारी दूंगा और मेरे श्री राम पांडे जी को भी
कि एक फैमिली का गेट टुगेदर भी यहाँ होना चाहिए, मतलब हमें जरूर करना चाहिए, छोटे छोटे समूह में कर ले या बड़ा कर ले, कभी भी मौका देख के जरूर करिए। और दूसरा ये चीज मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी कभी मौका मिले बच्चों को जरूर एक्सपोजर दीजिए। और जैसे अभी आप दोनों को देख के मुझे लगा तो किसी तरह की भी बच्चों को लेके पढ़ाई को लेके कोई मदद चाहिए, वैसे तो हर चीज़ आप यूट्यूब और इन चीज़ों पर अवेलेबल है, बच्चों से देख के बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन कहीं आपको लगता है कि हमसे वार्ता करके या हमारे से इंटरेक्ट करके बच्चों को कोई डायरेक्शन मिल सकती है तो हमें बहुत खुशी होगी। कभी भी मोस्ट वेलकम, और कोई भी समस्या बताइए, वैक्सीनेशन करा लीजिए, ये पहले पीछे बात आपने भी कही, तो वैक्सीनेशन टाइमिंग भी सबकी हो जानी चाहिए, आपके परिवार की हो जानी चाहिए, इसको मिशन मोड में सबने करना, यही एक जो है हमें कोविड से बचाएगा और थर्ड लहर से बचाएगा, सेकेंड लहर में हमने यही। और वंस अगेन आपको दोबारा मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, थैंक यू सो मच। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विकास भवन में विकास भवन विभाग द्वारा सभी कर्मचारी आज उपस्थित रहे हैं और पहले झंडारोहण किया गया है और उसके बाद जो नशा मुक्ति की एक शपथ दिलाई गई है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबने प्रण लिया है कि जो अलग अलग तरह के नशे समाज में फैले हुए हैं उसको जो है उससे मुक्ति के लिए समाज के लिए सब लोग कार्य करेंगे। इसके बाद एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, गोष्ठी में हमारे कर्मचारियों ने अपने विचार रखे हैं, स्वतंत्रता में विचार रखे हैं, देश के प्रति विचार रखे हैं और एक संकल्प लिया है कि हम जो अपना काम है वो तहे दिल से करेंगे और देश की तरक्की में हम लोग योगदान देंगे।